हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. सो आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं नया व्लॉग. कल ही मैंने एक व्लॉग खत्म किया है और अभी दूसरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिकॉज आज है फ्राइडे. आज से वीकेंड स्टार्ट हो गया है. तो आज एक्चुअली हम लोगों के कुछ प्लान्स हैं. प्लान्स इन द सेंस मीन्स आज हम लोग रात में कहीं जाने वाले हैं, मूवी देखेंगे और फिर मरीन ड्राइव जाने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ. तो मैंने सोचा इट्स अ गुड डे टू स्टार्ट अ व्लॉग. सो यस, एंड अभी बस सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह होने वाला है. मतलब अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हुए हैं एंड विक्की का वही चल रहा है, ऑफिस वगैरह जाने का प्रोग्राम एंड ऑल दैट. और ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं. मैंने यहाँ पे रख दिया था, एक्चुअली यहाँ पे धूप आती है बहुत अच्छी, तो इसलिए मैंने ये यहाँ रख दिया था ताकि ये जो फूल है ये अच्छे से ब्लूम हो जाए. इसको वापस रख देती हूँ यहाँ पे. एंड हम लोगों ने जो लास्ट हमारा कनेक्शन लगवाया था ना, वो जियो का लगवाया था. अभी वो हटवा करके हमने एयरटेल फाइबर लगवा दिया है. तो ये लगा हुआ है. अब ये वो कब कलेक्ट करने के लिए आएगा, ये वो कलेक्ट करने आएगा तब उसको दे देंगे. Hi guys, so you are in my bathroom and sorry for the echo. अभी मैं अपने बालों में थोड़ा सा मास्क लगा रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल एक्चुअली में थोड़ा सा ड्राई तो हो गए हैं. एक तो वेदर की वजह से भी, ट्रैवलिंग भी हो रही है इधर उधर और काफी ज्यादा स्टाइलिंग भी करी है अभी मैंने रिसेंट डेज में. है वो लग गया है. अब मुझे आज एक वीडियो लाइव करनी है, मुंबई वाली फर्स्ट वीडियो है. तो फटाफट से उसका थंबनेल बनाती हूँ. मुझे थंबनेल बनाने में टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है समटाइम्स एंड समटाइम्स 15 मिनट्स लगता है, डिपेंड करता है कैसा थंबनेल है. तो फटाफट से थंबनेल बनाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. ओके गाइस, फटाफट से शार लेकर के आती हूँ. अच्छा खासा टाइम हो गया है इनको रखे हुए, तो शार लेकर के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. ओके, आई जस्ट टुक शार एंड आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ड्रेस. दिखाती हूँ माय ड्रेस. और एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ तो मैं फटाफट से पहले रेडी होती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ. फॉर माय लिपस्टिक आई एम गोइंग टू यूज हेयर मामाअर्थ का हाइड्रा मैट लिपस्टिक. सो इट हैज अ रिच कलर पे ऑफ दैट लास्ट थ्रू आउट द डे व्हाइल हाइड्रेटिंग फॉर 12 आवर्स. इट इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड विदाउट एनी हार्मफुल टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स व्हिच मेक इट सेफ फॉर एवरीडे यूज. इट इज एनरिच्ड विद द गुडनेस ऑफ आर्गन ऑयल जो कि आपके लिप्स को नरिश करता है एंड प्रोटेक्ट करता है ड्राइनेस से. इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है जो कि डीपली हाइड्रेट करता है आपके लिप्स को. आपको इन लिपस्टिक्स को लगाते टाइम बिल्कुल भी सोचना नहीं है बिकॉज आप इन लिपस्टिक्स को डेली यूज कर सकते हैं. दे आर मेड सेफ सर्टिफाइड, जिसका मतलब होता है, जो कि प्रूफ होता है, इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है और कोई भी पैराबेन्स नहीं है. ये जो लिपस्टिक्स हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल 7 अपीलिंग शेड्स में आते हैं जो कि मंडे थ्रू संडे तक के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं. सो बेसिकली ये लिपस्टिक क्या करते हैं, ये वाटर प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, 12 आवर्स का इनका हाइड्रेशन है, 12 आवर लॉन्ग स्टे है, लाइट वेट है, फेदर लाइट है, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन देता है और बहुत ही इंटेंस कलर पे ऑफ आपको मिलता है. ये जो मैंने अभी शेड लगाया है दिस इज 01 और ये मैं लगा रही हूँ 03 शेड. इन लिपस्टिक्स का जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. आप देखिए मैं यहाँ पर स्वॉच टेस्ट कर रही हूँ आपको. मेरे फिंगर पे ज़रा सा भी लिपस्टिक का वो ट्रांसफर नहीं हुआ है. साथ ही साथ टिश्यू नैपकिन टेस्ट भी आपको मैंने करके दिखाया है. तो दिस इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स. इट्स नॉन ड्राइंग फार्मूला एंड इट इज़ कम्फर्टेबल टू वियर एज वेल. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, डू चेक दैट आउट. स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट एंड साथ ही साथ ऐप पर भी. आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करेंगे मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. इसके पीछे का पर्पस ये है, आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं साथ ही साथ आप अर्थ को भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. सो एज यू ऑल नो दैट मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल हैं अमेजन, नायका एंड फ्लिपकार्ट पर, बट अब ये अवेलेबल हैं इन स्टोर्स नियर बाय यू. तो आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट देखें आपके आसपास या स्टोर देखें तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. क्या आए थे रुचि और करके क्या जा रहे हैं हम? दिखाती हूँ क्या करके जा रहे हैं. आए थे पतियों को. सही बात है. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बिल भी देखिए, ये देखिए और हमारा बिल भी देखिए. ये देखिए वहाँ पैकिंग हो रही है और बिल भी देखिए हमारा.
हाय गाइस, तो मैं आ गई थी और 15-20 मिनट में ऐसे लेट भी गई थी क्योंकि एकदम से ना यहाँ पे बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है, या तो पता नहीं मुझे लग रही है या स्टार्ट ही हो गई है गर्मी, क्योंकि हम लोग एकदम ठंडी, मतलब हम जब तक भोपाल में थे तब तक तो हम अच्छे खासे लेयर्स में आए मुंबई, और यहाँ पर आज मैं इतने दिनों बाद बाहर निकली हूँ तो इतनी तेज गर्मी लग रही थी, मतलब भपके लग रहे थे, जल रही थी स्किन, इतनी गर्मी थी। तो बस हम लोग आ गए हैं और अभी हम लोग कट कर रहे हैं एप्पल्स। विक्की कल ही एप्पल लेकर के आया है और ये देखो कितने के लेके आए थे आप, ये 200 रुपए के लेके जाओ उसके पास, वही वापस मैं बोलूँगा लेके जाओ और उसको बताओ कोई सस्ते तो है नहीं एप्पल। हालांकि उसकी भी गलती नहीं है बट फिर भी बताएंगे तो जाकर के। ओके गाइस, तो शाम हो गई है, सो एक्चुअली आज फ्राइडे नाइट है जिसका हम दो दिन से हम लोग ढिंडोरा गा रहे थे और प्लान्स बना रहे थे आज के, कि आज हम लोग ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। तो हमारे जितने भी सेनापति हैं सब बिल्कुल ढाई ढूस हो चुके हैं, किसी का मन नहीं, मतलब हमारा प्लान ये था कि आज हम लोग रात को, ठीक है, 9 बजे 9:30 बजे मूवी देखने जाएंगे, मूवी शो देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मरीन ड्राइव जाएंगे। तो हुआ क्या कि सबसे पहले आज निशा और हम लोग, एक तो हम गलत डिसीजन ले लिया, आज हम लोग निकल गए घूमने के लिए जबकि हम बहुत दूर नहीं गए थे, हम बहुत घर के पास में गए थे। ऐसा भी नहीं कि हम विव्याना मॉल वगैरह या आर मॉल या कहीं दूर निकले हों, मेन रोड पे तो हम निकले ही नहीं, हम सोसाइटी सोसाइटी में घूम रहे थे। तो हम लोग इतना थक गए क्योंकि हम धूप में गए थे ना, या जो भी बोल लो, तो हम इतना थक गए कि एग्जॉस्ट हो गए थी गर्मी। इट्स नॉट ओनली मी, मेरी वो जो साथ वाली है वो भी ऐसी हो गई, थक गई एकदम, एग्जॉस्ट हो गई है। तो मुझे लग रहा था मैं शायद भोपाल से आई इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था, बट आई थिंक आज वेदर ही थोड़ा अजीब सा ह्यूमिड होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे मुंबई में, और फिर मेरा तो वेदर चेंज हुआ है तो मेरा बनता है ऐसे डल फील करना। सो फिर ये हुआ कि हम लोगों का मूवी प्लान कैंसिल हो गया। तो भैया और निशा नहीं जा रहे थे तो विक्की को मैंने बोला यार अपन भी क्या करेंगे जा करके, चेंज माई लोकेशन, विक्की एक्चुअली खोला खाली कर रहा है कुछ कुछ सामान की। हाँ, तो फिर यही हुआ कि मैंने बोला यार 3 घंटे की मूवी, मुझसे भी अब 3 साल हो गए, मतलब तीन नहीं, लास्ट मैंने कश्मीर फाइल्स देखी थी जो सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी थी और उसको मुझे बहुत देखना था, मतलब एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं देखी थी मैंने, अभी जा रहे हैं एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए जा रहे हैं। तो वैसे पता नहीं यार 2-3 घंटे बैठेंगे बैठ पाएंगे, जबकि हम लोग रेकलाइनर वाले उसमें जा रहे थे कि आराम से आप आराम से पैर वैर फैला के बैठ सकते हो, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं बोला नहीं जा रही यार आज मन नहीं कर रहा है। और फिर रात वाला जो प्लान था वो तो ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल ही, क्योंकि अब पता सभी की आदत छूट गई ऐसे लेट नाइट 11-11, 12-12 बजे, सबको ऐसा लगता है 10-10:30 बजे घर चाहिए होता है, मतलब घर और अपना कंफर्ट, कपड़े वपड़े बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ऐसे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी बस हम लोग डिनर कर रहे हैं और डिनर करते करते कुछ देखेंगे टीवी पे, इसको बेड को हम ओपन करेंगे अपने बेड कम सोफे को और इसमें फिर मस्त कुछ टीवी पे लगाऊंगी और यहीं बैठ कर के चिल मारेंगे, ये हमारा प्लान है। तो ये सोफा कम बेड लेकर के वी हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन बिकॉज एक तो बहुत कंफर्टेबल है और बहुत सही है, मतलब जब फैल के बैठना हो टीवी देखने के लिए, सही बात है यार। अब बताओ इतने कंफर्ट में बैठ रहे हैं, चड्डे वड्डे पहनी हुई हूँ, मूवी देखने जाऊँगी तो थोड़ी ना ऐसे जा सकती हूँ मैं, मुझे थोड़ा ढंग से रहना ही पड़ेगा ना, सोफेस्टिकेटेड रहना पड़ेगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि अब इतना कंफर्ट की आदत हो गई कि भाई मूवी बाहर तो नहीं देख सकते। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आज है सैटरडे, रात में हम लोग टाइम पे सो गए थे क्योंकि मैंने बोला ना अब आदत नहीं है, तो हालांकि 11:30 तक तो जगे बट उसके बाद तो एकदम बंद करके मैं सो गई थी। और अभी यहाँ पर मुंबई में ऐसा वेदर हो गया है जैसे रात में ना हमने ये वाली जो विंडो है ये हम ओपन करके सोते हैं, मतलब यहाँ पे हम ओपन करके सोए थे तो हम लोगों को ये ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है सुबह सुबह। इवन फैन भी हम लोग 2 या 3 बजे चलाते हैं तो सुबह अगर नींद खुलती है ठंड की वजह से तो फिर फैन को भी कम करना पड़ता है या बंद करना पड़ता है, ऐसा वेदर है दिन में। लेकिन गर्मी है, कल तो मेरी मम्मी से बात हो रही थी ना तो वो भी बता रही थी कि भोपाल में भी इनफैक्ट बहुत तेज धूप से जो आ रहे हैं उनको पता घर के अंदर नहीं फील हो रहा, पर जो बाहर से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है। कि जैसे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट वगैरह आते हैं ना, तो वो लोग बताते होंगे, तो ऐसा बोल रही थी वो। सो बस अब आज फटाफट लंच की प्रेपरेशंस करूँगी मैं, बिकॉज मुझे ना रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है, रोटी नहीं खाई बहुत दिनों से, तो घर की बनी हुई रोटी दाल आज मैं वही बनाऊँगी, प्रॉपर सब्जी खाना बनाऊँगी।
try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we... तो बस विक्की आ गया अपनी चॉपिंग की ड्यूटी करने. जब तक वो किचन में कर रहा है तब तक मैं फटाफट से अपने फ्रूट्स खाऊंगी और अपना मी टाइम थोड़ा सा इन्जॉय करूंगी. और उसके बाद फिर विक्की पूरी चॉपिंग करके मुझे दे देता है. बाकी की कुकिंग मैं कर लेती हूँ. मुझे चॉपिंग करने में भाई पसंद नहीं आता चॉपिंग करना. सो अगर मुझे कोई चॉपिंग की प्रिपरेशन करके दे देना तो फिर मेरे लिए कुकिंग इज़ वेरी ईजी. एंड अभी तक मैंने अपना जो फूड प्रोसेसर है वो ऑन नहीं किया है, तो आज भी मैं हाथ से ही आटा गूंदूंगी क्योंकि थोड़ा सा आटा गूंदना रहता है. तो मुझे ऐसा लगता है जितनी देर में वो तामझाम मैं करूंगी, धोऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, उससे बेटर है कि मैं हाथ से कर लेती हूँ. क्योंकि अभी क्या एकदम ऐसे प्रॉपर रूटीन रूटीन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, ये हम कभी कभी कर रहे होते हैं. तो भी कभी कभी करने के लिए फिर हर बार उसको धोना बहुत कियोटिक प्रोसेस हो जाती है. सो वैसा है. I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving. ओके गाइस, तो हम लोगों की जो दाल है वो रेडी है. उसके बाद सब्जी बन गई है भिंडी की, एकदम क्रिस्पी बनाई है मैंने. फटाफट से अब चावल बनाती हूँ और साथ में रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी और फिर गरम गरम खाएंगे. इस लेवल का मैं मचा देती हूँ. हाँ, स्टैंड को देखो आप लोग, ऐसे मैं मचाती हूँ. कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम मचा के काम करते हैं, और कुछ होते हैं ना एकदम प्रिम प्रॉम, बहुत क्लीन रखते हैं. और क्लीन भी कर दूंगी, ऐसा नहीं है कि ऐसी छोड़ दूंगी. तो ये हो गया है ऑल क्लीन. अब मैं बनाऊंगी रोटियां. तो यहाँ पर हो रहे हैं चावल और इसमें मेरा आटा रखा हुआ है. तो फटाक से रोटी बनाती हूँ. ओके गाइस, तो सारा खाना बन गया है. हमारी जो हेल्पर है वो भी आने लगी है. मेरी वाली नहीं, हमने दूसरी लगवाई है बैकअप, तो वो भी अच्छे से काम करती है वैसे. तो पूरा साफ सफाई हो गई, बर्तन वर्तन सब क्लीन हो गए हैं. अब मैं फटाफट से जाती हूँ शार लेने. अभी सिर्फ 11:15 बजे हैं तो भूख भी बहुत तेज लग रही है. तो अभी हम लोग लंच भी कर लेंगे गरम गरम. ऐसे यहाँ पे हमने कर्टन्स वगैरह लगा दिए हैं ताकि टीवी पे शेड ना आए, और यहीं पे खाना खा करके बैठेंगे. आई जस्ट टुक शार वगैरह सब कुछ ले लिया है मैंने. एंड लुक एट दिस, ये कितना प्यारा ब्लूम हो रहा है. ओके गाइस, सो दिस इज आवर लंच और ये रहा सैलेड. सिंपल खाना है बट सोल फूड है भाई. हाय गाइस, तो अभी शाम हो गई है, संडे इवनिंग. हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पर डीकैथलन जा रहे हैं हम लोग. क्यों जा रहे हैं? ऐसे ही जा रहे हैं टाइम पास करने के लिए. एक्चुअली एक दो सामान लेना है तो देखने जा रहे हैं. वहाँ पर अच्छा मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे. और मैं बताती हूँ क्या पहनी हूँ. मैंने अपनी सारी जो समर गाउन्स होते हैं ना, मैंने सब निकाल डाले जो मैंने पिछले साल लिए थे बट मैं पहन नहीं पाई थी क्योंकि ऑफिस में चली गई थी. तो वो सब ड्रेसेस मैं निकाल रही हूँ और पहनना स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर आ गई समर वाइब्स, ऑलमोस्ट आ गई हैं. तो मैं दिखाती हूँ, ये मैंने बैंड्रा से खरीदा था. चाहूँ तो मैं बेल्ट लगा सकती हूँ पर मैं बेल्ट लगा रही हूँ तो बहुत अजीब लग रहा है, तो इसलिए फिर मैंने बेल्ट हटा दी. इसको ऐसे ही इजी ब्रीजी ले चलते हैं डीकैथलन और देखते हैं वहाँ पे. और उसके आसपास एक दो शॉप्स भी है तो इसको शूज वगैरह भी देखना है विक्की को. तो हम दो महीने से शूज, आप लोगों को याद है मैं पिछले 4 महीने शूज, सही में पिछले 4 महीने से शूज ढूंढ रहा है और इसने लिए नहीं. अभी जो हमने लिए थे ना उसके हश पपीज के, वो फॉर्मल थे. अभी ये स्पोर्ट शूज ढूंढ रहा है 4 महीने से, जिसको मिले नहीं है. भगवान जाने कौन से चाहिए, वो कौन सा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है वो ही चाहिए. तो बस वैसा.
तो हम लोग आए थे एक प्रॉपर्टी देखने के लिए, किसके लिए वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं. सो दिस इज़ द हॉल जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है एंड सामने डेक दिया हुआ है. नाउ दिस इज़ द किचन, किचन के साथ बाहर यूटिलिटी एरिया है और काफ़ी अच्छे साइज़ है किचन का भी एंड हॉल भी काफ़ी बड़ा था. तो ये हम 3 BHK देख रहे हैं एंड दिस इज़ द थर्ड रूम जिसके साथ वॉशरूम अटैच है. और दो रूम्स ना पता नहीं मैं लेना भूल गई वीडियो में, बट दो और रूम है वो जो दूसरे तरफ हैं. तो ये 3 BHK हम देख रहे थे एंड उसके बाद अब हम गए हैं 2 BHK देखने के लिए. तो एक नया प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और काफ़ी टाइम से हमारा मन था देखने का. सो नाउ दिस इज़ अगेन अ हॉल, सामने एक छोटा सा डेक एरिया है. हॉल उतने ही साइज़ का है जितना 3 BHK का हॉल था. इधर तरफ जाते हैं तो किचन आता है और ये वॉशरूम है. वॉशरूम के बाहर से एक यूटिलिटी एरिया भी, अच्छा खासा यूटिलिटी एरिया दिया है इन लोगों ने. नाउ दिस इज़ द रूम, ये सेकेंड रूम है, मतलब सेकेंड बेडरूम जो होता है ये वो है. वार्डरोब की अच्छी खासी स्पेस दी हुई है. नाउ दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, मुझे वार्डरोब स्पेस इनकी बहुत अच्छी लगी, वॉशरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा लगा था. मास्टर बेडरूम भी काफ़ी अच्छा था. जो बैल्कनी, स्टैंडिंग बैल्कनी, वो थोड़ी सी छोटी है बट अच्छा साइज़ का है ये. एंड यहाँ पर जो पोर्च एरिया होता है वो है ये, जो कि अच्छे खासे साइज़ में है. उसके बाद फॉयर एरिया है हर घर में, ये फॉयर एरिया है. दिस इज़ द मेन गेट, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप डेकोरेट कर सकते हो. उसके बाद सामने उधर किचन है. किचन देखती हूँ मैंने लिया है कि नहीं लिया वीडियो में. उसके बाद डिजिटल लॉक डोर दिया गया है. सामने भी काफ़ी स्पेस है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो. तो स्पेस एक्स्ट्रा काफ़ी सारी दी हुई है इस प्रॉपर्टी में जो अभी हम देख रहे हैं. नाउ लेट्स गो टू द डीकैथलन जिसके लिए हम निकले थे एक्चुअली. ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं बाहर से घूम घाम करके. दूध गर्म कर रही हूँ मैं, हल्दी वाला दूध पीते हैं क्योंकि कफ है तो इसके लिए. एंड या अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल, देखते हैं संडे कल क्या करते हैं. हमारा आज भी प्लान था कि हम लोग निशान, हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है हमारे घर के पास में ही, तो हमने सोचा था वहाँ जाएंगे. बट यहाँ एग्जीबिशन बहुत लगती है, मतलब मेरे एरिए में मैं जब आती हूँ तब मुझे एग्जीबिशन दिखती है और वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है. तो इतना क्रेज़ भी नहीं हो रहा वहाँ जाने का क्योंकि अब क्या हो गया इतने टाइम, मतलब सोचो अब मैं तो कितना कम आती हूँ, अभी तक मैं आई कितनी बार हूँ, 4 या 5 बार आई हूँ, और जितनी बार आई हूँ उतनी बार मुझे एग्जीबिशन मिली है. इतनी एग्जीबिशन लगती है यहाँ पे. तो यार फिर अब वही है ना, फिर और फिर ऑलमोस्ट कितना ही नया लगेगा, सब सेम सेम. फिल्म मारने के लिए आप बोर हो रहे हो तो चले जाओ घूम फिर आ जाओ, बट अभी ऐसे अलग से टाइम निकल के जाना नहीं हो पा रहा है. लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली कल सुबह संडे को, ये गर्म हो जाए फिर इसमें हल्दी वल्दी मिला करके पियेंगे और फिर सोएंगे. तो यस, मिलते हैं कल. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आज है संडे की सुबह तो बिल्कुल आराम आराम से चल रहा है. उठ तो हम लोग बहुत जल्दी गए थे बट अभी आधे एक घंटे से तो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी. नॉर्मल ऐसे ही अभी फ्रूट्स वगैरह खाएंगे. फिर खाने का आज विक्की बोल रहा है कि उसको एक्चुअली वो कर रहा है, वो फास्टिंग करेगा आज के दिन, फ्रूट सिर्फ अकेला खाने वाला है. तो मैं अपनेली देखती हूँ कुछ थोड़ा बूढ़ा बनाऊंगी क्योंकि कल का आटा रखा हुआ है गूंदा हुआ. सो मे बी मैं अपने लिए चपाती वगैरह बनाऊं. और कल, हाँ तो बेसिकली मेन मैं आपको वो बताती हूँ कि कल हम लोग गए थे एक फ्लैट देखने के लिए. मैं बताती हूँ हमारे यहाँ से, दिस इज द फ्लैट जो हम देखने गए थे. और ये जो आपको दिख रहा है ना थर्ड फ्लोर जिसमें ग्रिल लगी और बाकी कहीं पे भी नहीं लगा है, बाकी तो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये थर्ड फ्लोर हम देख करके आए हैं. चलिए ऑब्वियसली हमको नहीं लेना है, हम लोग हमारे फ्रेंड्स लोगों के लिए देख करके आए थे. और उसके बाद घर के जो बिल्कुल बगल में है, तो रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं इसकी, हमने प्रॉपर्टी का लेआउट का काफ़ी तारीफ सुना है. तो हम 2 BHK एंड 3 BHK देख करके आए हैं. तो यहाँ पर 3 BHK का कोट उन्होंने किया था 1.96. 2 BHK का कितना कोट किया था? 1.50. और उनका जो 2 BHK है वो अभी जो हमारा करंट 2 BHK है उससे मुझे हॉल थोड़ा बड़ा लग रहा था कि किचन छोटा था, तो इतना जमा नहीं है. मतलब अगर हमारा 2 BHK और वो 2 BHK कंपेयर करें तो दिस वन इज मच बेटर. तो मैं अपने फ्रेंड्स को यही बोल रही, सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर चाहते हैं तो वो इसी बिल्डिंग में आ सकते हैं. फिर आप देखो बहुत ऐसे आउटर वगैरह में जाओगे तो आपको कम में भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. मतलब आउटर चले जाओ फिर आपको यही रहेगा, वहाँ आसपास कुछ नहीं रहेगा, आपके घर के आसपास रोड्स नहीं रहेगी, कुछ मॉल्स नहीं रहेंगे, शॉप्स नहीं रहेंगे, स्कूल्स नहीं रहेगा, फिर वही आपकी एमिनिटीज बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी. तो वैसे आप मतलब अगर बजट कॉन्स्टेंट रहता है तो मिलता भी है. जैसे जब हम देख रहे थे ना तो हमको मिले थे ऐसे 95 में भी मिल रहा था, 90 लाख में भी मिल रहा था. वही है कि फिर हमको वो एरिया नहीं जम रहा था या हमको वो फ्लैट नहीं जम रहा था. फिर ऐसा रहता है, फिर आपको उधर कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता है कि आपको रोड नहीं ढंग की रहेगी, अंदर अंदर जाके कहीं होगा. यहाँ पे ऐसे सेंटर में रख दिया है, लुक एट दिस, इतना सुंदर लग रहा है, इतना परफेक्ट है कि ऐसा लग रहा है कि रियल नहीं है. पिंक लिली मैंने इतनी नहीं, मैं यूजुअली लाती भी थी ना तो मैं व्हाइट या पर्पल लिली ही लाई हूँ, मैं पिंक बहुत कम लाई हूँ. तो ये बहुत सुंदर लग रही है. मुझे ये मिला है हल्दी कुमकुम, हमारे यहाँ जो सामने दीदी रहती हैं उन्होंने मेरे लिए हल्दी कुमकुम निकाल के रखा था साइड में,
तो ये मिला है, काफ़ी अच्छा है ये। आज इनको प्लांट्स को पानी देना है, मैंने इनको हफ्ते भर से पानी दे दिया है क्योंकि मैं नहीं जा रही थी कि इनकी जो हैबिट है ना कम पानी लेने की वो चेंज हो जाए, सो दैट्स वाई मैंने इनको ज़्यादा पानी नहीं दे रही हूँ ताकि भाई वो कम पानी में भी उनको पता रहे सर्वाइव कैसे करना है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और विक्की ऑफिस चला गया है, लंच वन सब उसको चला गया। आज मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी, दाल और रोटी। उसके लिए रोटी बनाई है बट मुझे चावल खाने का मन है, राइस तो मैं जब खाऊंगी तब तुरंत गरम गरम राइस बनाऊंगी अपने लिए। सो आज क्या प्लान है, आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, सो आप उससे मिल चुके हो, शी वॉज माई सब्सक्राइबर टर्नड फ्रेंड है। तो जब भी मैं आती थी ना वो हमेशा मुझे बोलती थी अपन कब मिल रहे हैं, अपन कब मिल रहे हैं। शी लिव्स इन थाने ओनली, बट मेरे पास में नहीं रहती, थोड़ा सा आगे रहती है, मेरी सोसाइटी से 10-15 मिनट के रास्ते पे रहती है वो। तो हम लोगों का मैंने इस बार मैं थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए आई थी ना, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो लेट्स मीट देन। तो अभी वो आ रही है, आज मेरे घर आ रही है। पहले हमारा फ्राइडे का प्लान था बट फिर फ्राइडे को मेरे को दूसरे काम थे तो मैंने पोस्टपोन करके उसको मंडे कर दिया था। सो फिर शी विल कम बाय 3 और उसके बाद जब वो आएगी तब मैं डेफिनेटली उससे मिलवाऊंगी आपको। एंड कल मैंने बिग बॉस देखा, कल भाई बिग बॉस का फिनाले था, मेरा तो एकदम दिल चार टुकड़ों में टूट गया जैसे ही मैंने देखा स्टैन जीत गया। भाई मैंने कहा शिट यार, मतलब मैं शायद लास्ट व्लॉग में बोल ही रही थी कि कौन लोग स्टैन को वोट कर रहे हैं ऑल दैट, तो आई जस्ट मेड अ स्टेटस कि भाई कैसे कैसे, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कैसे। मतलब इनफैक्ट आई लाइक प्रियंका एंड अर्चना, दे वर द मोर डिजर्विंग कंटेस्टेंट, बट हाँ स्टैन की जगह इवन शिव जीत जाता या शालीन जीत जाता तो भी वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता मुझे, बिकॉज एटलीस्ट इन लोगों ने कुछ तो किया है, बहुत कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ किया है कंपेयर किया जाए स्टैन से। तो ओके गाइज, सो कनिका इज़ जस्ट अबाउट टू कम, आने वाली है वो, एंड माई होम इज़ रेडी। मैंने ये ऑन कर दिया है, आई थिंक आ गई है। पता नहीं क्या, पता है मैंने वो नीचे भैया को बोला कैसे हाय कनिका, एकदम बढ़िया। बहुत टाइम बाद, अब आई थिंक 7 मंथ्स बाद। यस, we met after 7-8 months. Yes. Finally. Very excited. Lot of gupshup is collected now. Hi guys, so मैं आप लोगों से आज मिल रही हूँ। कनिका वैसे कल आकर के चली गई थी एंड हम लोग काफ़ी देर बैठे थे, मतलब 4 hours वी लिटरली टॉक्ड, टाइम पर का पता नहीं चला बिल्कुल भी। उसने मेरे लिए गाजर का हलवा बना करके लेकर के आई जो कि बड़ा टेस्टी था। थोड़े दिन पहले ना बाली गई थी, सो शी गॉट दीज 2 souvenirs बाली से मेरे लिए, souvenirs लेकर के आई, सो स्वीट ऑफ हर। ले गई थी, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया बिकॉज विक्की कल जल्दी आ गया था, फिर खाना पीने में लग गए एंड वो सब चीज़ों में हो गया। तो आज ये जो वीडियो है ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है मुझे ऐसा लगता है, तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई रियली वॉन्टेड टू टॉक टू यू गाइज ऑन सम टॉपिक जिसके लिए मैं अभी अपना करेज गैदर नहीं कर पा रही हूँ या मेरे मुँह में वर्ड्स नहीं है फिलहाल उस टॉपिक पर बात करने के लिए। वंस आई विल फील लाइक, मुझे करना तो है ही, मैं जल्दी ही करूँगी और बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ। इस व्लॉग को हम लाइट ही रखते हैं, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स इन सम अदर व्लॉग, मे बी शायद आप लोगों की तरफ से कुछ अच्छा सजेशन या सोल्यूशन मुझे मिल जाए। सो यस, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।